नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का पोकेमोन लेजेंड आर्केस 100 डेज सीरीज के डे नंबर 11 में। एंड सॉरी फॉर द डिले गाइस, मुझे पता है बहुत दिनों से मैंने पोकेमोन लेजेंड आर्केस, इनफैक्ट कोई भी पोकेमोन के गेम्स का वीडियो नहीं डाला था, थोड़ा बिजी था, बट अब फ्री हूँ सो अब एडवेंचर होगा। एंड पिछले एपिसोड में हमें एक नया मिशन मिला था, लेकिन उस मिशन को करने के लिए हमें 3 स्टार्स चाहिए थे जो कि हम कर नहीं पाए थे। सो हमें कुछ रिसर्च टास्क करने थे जो कि हम कर चुके थे। उसके बाद में आ जाता कैप्टन साइलिन के पास, बहुत से ऑसम पोकेमॉन्स पकड़े और शाइनी पोकेमॉन भी पकड़ा। अब तो रिसर्च टास्क कम्प्लीट हो जाना चाहिए। एंड लेट्स सी, इट सीम्स यू हैव अर्नड योरसेल्फ अ स्टार। नाइस, 3 स्टार मिल गया। अब अपन उस आइलैंड में जा सकते हैं, कोई कोस्टफील्ड आइलैंड करके नाम था, जहाँ पे हमें पता चला कि वहाँ पे जो एक नोबल पोकेमोन था ना, वो मर चुका था। एंड उसी एरिया में अभी लोगों को एक उसी के भूत जैसा फिगर दिख रहा था, और वो हर्ट भी कर रहा है लोगों को। सो हमें जाके वहाँ देखना पड़ेगा कि वो भूत है या कोई बदमाशी कर रहा है। एंड फाइनली अब हम लोग ग्रेट बॉल्स भी बना सकते हैं। चलो सही है, कोबाल्ट कोस्टलैंड नाम था। ओके, एंड वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फायर स्पिट लैंड। नाइस, सो चलते हैं। एंड मैं आ जाता हूँ विलेज के एंट्रेंस में, लेकिन यहाँ पहुँचता हूँ तो भाई मुझे कोई रोक देता है, और ये वो छुटकू बदमाश लियान रहता है, फर्स्ट नोबल पोकेमॉन जो हमने देखा था, जिसको रैम्पेज मोड में क्लेवर उसका ये गार्जियन है। एंड लियान बोल रहा है, इसको लग ही रहा था कि ये मेरे से मिलेगा। एंड हमें पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो नेक्स्ट पोकेमॉन स्टडी करने। सो मैं बता देता हूँ इसको, कोबाल्ट कोस्टलैंड में जा रहा हूँ, और सॉरी फायर स्पिट आइलैंड, दोनों एक ही जगह में गाइस। एंड ये बोल रहा है फायर स्पिट आइलैंड में हम पैलिना से मिल सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक सिचुएशन है, वो वहाँ की वार्डन है, लेकिन उसके पास कोई नोबल पोकेमॉन नहीं है। अच्छा हाँ, नोबल पोकेमॉन तो मर गया था ना। एंड लियान बोल रहा है कि उसके बारे में पर्ल क्लैन के कुछ लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं पीठ पीछे। ऐसा क्यों यार, नोबल पोकेमॉन मर गया, उसमें उसकी क्या गलती? एंड अब बोलता है, ब्रो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। और बोल रहा है, सम पोकेमॉन्स आर स्ट्रॉन्गली अफेक्टेड बाई सर्टेन स्टोन्स विच होल्ड्स मिस्टीरियस पावर, विथ राइट स्टोन यू कैन इवन इवॉल्व सम पोकेमॉन, यू नीड लुक नो फर्दर देन क्लेवर फॉर प्रूफ ऑफ दैट। अच्छा तो क्लेवर को भी कोई स्टोन से इवॉल्व कर सकते, लेकिन उसका बेस पोकेमॉन कौन सा है भाई? मुझे तो लग रहा है साइथर होगा, बट अभी तक से एक भी साइथर से मुझे मिले नहीं है, वरना मैं पकड़ लेता उनको। एंड लियान को लगता है ये स्टोन्स भी ऑलमाइटी सिनो की देन है, जिसने ये यूनिवर्स बनाया है, और बोल रहा है कि मुझे भरोसा है तुम मेरा एडवाइस दिल से लोगे और इन स्टोन्स का अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। नहीं ब्रो, मुझे पता है इवोल्यूशन स्टोन्स और जो वैसे ही टाइप के स्टोन्स होते हैं उनके बारे में। एंड एज अ गिफ्ट लियान हमें ग्रेट पेबल देता है, जिससे हम कुछ पोकेमॉन्स के स्टैट्स को बढ़ा सकते हैं। हाँ, एंड एवोल्यूशन स्टोन्स हमें गिंको गिल्ड मर्चेंट से मिल जाएंगे। अच्छा गुड गुड वर्क छोटू, तू तो बड़ा काम का निकला भाई, सही में ब्रिलियंट बच्चा है वो। सो अब चलते हैं कोबाल्ट कोस्टलैंड की तरफ। और ये लोकेशन किधर है? ये भी नहीं, ऑब्सीडियन क्रिम्सन, अरे एकदम ये तो एंड वाले लोकेशन में, बीच साइड कैंप के पास। एंड यहाँ आते ही मैं फुल्ली सरप्राइज हो जाता हूँ भाई, व्यू देख रहे हो क्या ऑसम व्यू था यार, बीच भी है, ट्रीज भी है, और यार स्काई एकदम क्लियर है यहाँ से, तो बोले तो ऐसा प्लेस जहाँ पे सी और स्काई का मिलन हो रहा है। एंड प्रोफेसर लेवेंटन हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे फ्लाइंग टाइप्स पोकेमॉन्स हमें बहुत मिल सकते हैं। ओ नाइस, फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स मुझे अच्छे लगते हैं, उनका स्टैट्स उतना अच्छा नहीं होता बट स्पीड ज़्यादा होता है। एंड मैं प्रोफेसर लेवेंटन से थोड़ा यहाँ के वार्डन के बारे में पूछता हूँ। ओ वार्डनेस, अच्छा फीमेल है। हाँ, एंड ये बोल रहे हैं कोबाल्ट कोस्टलैंड में हमें पैलिना मिलेगी पर्न क्लैन की, एंड साथ में कोई डायमंड क्लैन का भी बंदा है यहाँ पे, इसका नाम के। ओके यार, दोनों से मिल लेंगे, बट रीता हमारा इंतज़ार कर रही है, सो उससे पहले बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मिस, व्हाट्स अप? ओके, चेहरा देख के तो इसका बड़ा दुख भरा लगा। और ये क्या भाई बांसुरी बजा रही है? कोई पोकेमॉन को नहीं ना बुला रही है भाई? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस गेम में मोस्टली ये गॉसियन फ्लूट या जो भी फ्लूट है, इससे ये लोग वैसे ही हैवी पोकेमॉन्स को बुलाते हैं। अच्छा नहीं, बस ये ऐसे ही बजा रही थी क्योंकि इसको फ्लूट बजाना पसंद है। एंड अब बोल रही है फ्लूट बजाने के बाद इसका मूड अच्छा हो गया, और अभी हमसे बैटल करना चाहती है, वो भी फुल फोकस में। ओके, इरिडा से हमने पिछले टाइम बैटल किया था, ये ग्लेशियन लेके आई थी शायद, याद नहीं आ रहा है मुझे। देखते हैं इस बार कौन कौन से मॉन्स लेके आती है। ओके, और ग्लेशियन है इसके पास, एंड हम भेजते हैं क्विलावा को, टाइप एडवांटेज है हमारे पास। और ये क्या, बगल में ईवी भी है, अरे दो दो पोकेमॉन्स एक साथ भेजिए। लेवल 30 का एमआर पाएंगे, लग तो रहा है टाइप एडवांटेज है इसलिए। सो फ्लेम व्हील से तो बहुत अच्छा डैमेज देते हैं, और वो बहुत कम डैमेज देता हूँ।
और ये क्या छुटको ही भी भाई क्विक अटैक मार रहा है, एंड ग्लेशियर भी लगता है सेम अटैक मार रहा है। अच्छा नहीं, बेबी डॉल आइस हमारा अटैक गिरा रहा है। एंड गाइस जितना हमें ग्लेशियर नहीं मार रहा उतना उससे ज़्यादा तो ये भी मार रहा है भाई, क्विक अटैक। और भाई ये अटैक से तो जस्ट बचे हैं यार, आइस बीम अटैक था, हमें क्विक अटैक मारना होगा। चलो गाइस ग्लेशियर को तो मार दिया। और ये ईवी भाई, ये ईवी दिख रहा है बहुत क्यूट लेकिन बहुत बदमाश निकला यार, ऐसे कौन मारता है भाई। क्विक अटैक तभी से स्पैम कर रहा था, सो इसको बताता हूँ ऑनिक्स से, एक टैकल मार के इसका सर फोड़ दूंगा तब जाके ये सुधरेगा, सो वही मारूंगा। क्या बोलते हो, मार पाएंगे? अरे यार बड़ा टैंकी है भाई छुटकू, टैकल से तो ये नहीं मारने वाला, सो हमें दूसरा मूव मारना होगा। कौन सा मूव मारे, बुलडोज, लेट्स सी। और अरे इसमें भी बच गया भाई, छोटा है भाई लेकिन स्टैट्स अच्छे, क्योंकि देख रहे हो बस लेवल 15 का ही और ऑनिक्स टेरा लेवल 26 का। खैर कोई ना, इरिदा के पास बस दो ही पोकेमोन्स थे तो इससे कभी नहीं हार सकते गाइस। हार के बोलती है अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। वाह मैडम ये तो अलग ही इसका माइंडसेट है भाई, हार के अच्छा फील हो रहा है। कोई ना, आई थिंक इसको बैटल अच्छा लगा इसलिए अच्छा फील हो रहा था। एंड इरिदा मुझे फ्रेंकली बोलती है कि वो नहीं चाहती कि कमांडर और या फिर कोई डायमंड क्लैन का लीडर उसे उसके सामने वो वीक दिखे, लेकिन इन रियलिटी वो है क्योंकि ये बिल्कुल नहीं है, नई लीडर से ऊपर से बच्ची भी है। और बोल भी रही है कभी कभी सोचती है कि ये इन सिचुएशंस में कैसे आ गई। एंड इरिदा बोल रही है कि यहाँ पे एक वार्डन रहती है कोस्टलैंड में जिसका नाम पैलिना है, इसके बारे तो हमें पहले से पता चल गया है, जिसके पास कोई लॉर्ड और लेडी नहीं है बोले तो नोबल पोकेमॉन, और वो कोई सक्सेसर को भी रेज या ट्रेन नहीं करेगी लॉर्ड्स का एम्प्टी सीट के लिए, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसके वार्डन पोजिशन को क्वेश्चन करने लगे। बट लीना पैलिना उसकी बहुत अच्छी दोस्त है चाहे लोग कुछ भी बोले, इनफैक्ट दोनों ने एक साथ पर्ल क्लैन का लीडर बनने के लिए ट्राई किया था। बोले तो राइवल्स और बेस्ट फ्रेंड टाइप के हैं ये दोनों, एंड इसलिए ये बोल रही है कि हमें हेल्प करने बोल रही है पैलिना को एक लॉर्ड पोकेमॉन बोले तो नोबल पोकेमॉन रेस करने में। श्योर इरिदा सब कुछ कर दूंगा, बस 10 प्लेट फ्री का पोटैटो मोची मेरे घर पे भिजवा दो, बाकी काम छोड़ दो मेरे पे। एंड मैं तो पैलिना को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट तो मुझे लगता है माजरा कुछ और ही है, पैलिना इनफैक्ट हेल्प नहीं चाहती है शायद से, वो तो उससे मिलके ही पता करेंगे, और वो एकदम टॉप में है, वो हिल के टॉप में। ओके गाइस चलते हैं पैलिना से मिलने, बट उससे पहले इस रीजन के पोकेमॉन्स को देखते हैं कौन कौन से पोकेमॉन्स है यहाँ पे, बिकॉज न्यू रीजन कम्स विथ न्यू ऑसम पोकेमॉन्स। ओके और इस पेड़ में कुछ हिल रहा है, पक्का कोई बर्मी होगा, और ये पिंक वाला बर्मी नहीं भाई वॉर्मेटम है, उसका विकसित रूप है क्या, हो सकता है यार, और लेवल भी 28 है, सो इसको तो पकड़ेंगे, सो इसको मैं एरियल मारता हूँ। चलो अच्छा डैमेज दिया, और भाई ये कारियन हेड में तो भाई कारेविया का सर फोड़ दिया इसने तो भाई, वॉर्मेडियम तो स्ट्रांग पोकेमॉन लग रहा है, सो इसको तो बिल्कुल पकड़ेंगे। एंड रोल आउट से और थोड़ा डैमेज दे देते हैं, हाँ अब ठीक है, अब क्रेट बॉल फेंकते हैं या पोके बॉल से ही पकड़ लेंगे। नहीं नहीं भाई रिस्क नहीं लूँगा यार क्रेट बॉल, बिकॉज क्रेट बॉल कम्स विथ क्रेट कैचिंग रेट, सो लेट्स सी फर्स्ट ट्राई में पकड़ लिया, नाइस। एंड इसको पकड़ा तो 10 ऑरेंज बेरीज और एक किंग लीफ का आइटम भी मिला है। एंड गाइस जैसे ही मैं आइटम चेक कर रहा था तभी मुझे याद आया कि यार मेरे कुछ पोकेमॉन्स को मैं इवॉल्व करा सकता, अच्छा एक ही पोकेमॉन है बीजल है, सो चलो इवॉल्व कर लेते हैं। एंड गाइस बीजल किस में इवॉल्व होता है कमेंट करके बताओ तो, अभी जस्ट बिना इसको देखें इवोल्यूशन को। एंड ये देखो बीजल इवॉल्व होता है तुम्हारा फ्लोट सेल में, जो कि यार एकदम बॉस पोकेमॉन की तरह मुझे लगता है। चलो एक फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन है हमारे पास भाई, बैंड बजाएगा सबकी, नाइस। इसका साइज थोड़ा छोटा लग रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा वाला फ्लोट सेल पकड़ना पड़ेगा, अब तो रॉक टाइप और वाटर टाइप्स के खैर नहीं, सो चलो अब वापस अपने काम पे लगा जाए। ओके इस साइड आता हूँ, इधर तो नहीं दिख रहे कोई पोकेमॉन्स, अरे यहाँ पे तो एक बिल्ली है क्लेमिया नाम है शायद इसका, शायद से साइकिक टाइप है, एंड ये मुझे उतना कुछ खास नहीं लगता। और यहाँ पे भी भाई कोई पोकेमॉन है पेड़ में, देखते हैं कौन सा पोकेमॉन है, अच्छा यहाँ है बर्मी एंड पिंक वाला है, शायद से ये हमने नहीं पकड़ा है गाइस, तो पकड़ लेते हैं। यार बर्मी के इतने वेरिएंट्स होते हैं भाई, मार दिया लॉल। ग्रीन और येलो बर्मी तो है हमारे पास, पिंक नहीं था शायद, सो कोई बात नहीं इधर आ जाते हैं। और इधर भी पोकेमॉन्स आ रही, ये तो स्पियल है जो कि इवॉल्व शायद से वेलरिन इसमें होते हैं, ये अभी नहीं पकड़ूंगा। एक वाटर टाइप है ही हमारे पास फ्लोट सेल, ओके और ये कैसे घूम रहे हैं भाई, एंड अब कौन सा पोकेमॉन हमें दौड़ा रहा है, अरे गाइस उधर देख रहे हो ट्रैपियन है भाई, और इसका छोटा फॉर्म भी, अरे यार ये तो बहुत अग्रेसिव है भाई, बिच्छू की तरह दिखने वाला पोकेमॉन, इसको तो मारूंगा भाई, मेरे को डंक मारता है, रुक बताता हूँ। तो एक फ्लेम व्हील से इसका काम तमाम कर दिया, स्कोरूपी नाम था। एंड गाइस मुझे
ट्रैपियन को पकड़ने का तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन पता है अभी यार उससे भिड़ने का औकात नहीं होगा। बट लेट्स सी कितने लेवल का है यार। ये छोटे स्कोरपीज छोड़े हमें तब तो यार देखूँ। एंड गाइस स्कोरपीज हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, सो ट्रैपियन से अपन बाद में मिलेंगे। अभी हिल पे चलते हैं जहाँ पे हमें जाना है। और रुको मुझे अपनी सवारी बुलानी पड़ेगी। हाँ अब ना ठीक है। अरे उधर देख रहे हो एक माचोप था भाई, लेकिन उधर हमें नहीं जाना है, हमें इस हिल में जाना है, सो इधर ही जाऊँगा मैं। ओके यहाँ पे तो स्काई टम्बल स्टोन है, और वो स्टारिविया है कि स्टारेप्टर है गाइस? ये तो इवॉल्व फॉर्म है भाई स्टारली का, स्टारिविया ये जो कि है हमारे पास, और इसको बुला सकते हैं क्या? अरे नहीं स्टारेप्टर की तरह लग रहा है। हाँ बहुत ऊपर, वो नीचे रहता तो अच्छा था। और इधर हमें एक ब्यूटी फ्लाई मिल जाता है, ब्यूटी फ्लाई को तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन यहाँ पे 30 लेवल का था। सो चलो अपना पावर चेक करते हैं, बिकॉज ब्यूटी फ्लाई उतना भी वीक पोकेमोन नहीं है जितना तुम्हें लगता है। गलत बोल दिया गाइस, वीक है ये। ओके अब आगे चला जाए, मुझे कोई डिफरेंट टाइप के उतने पोकेमोन्स नहीं दिखे हैं। यहाँ पे भी ब्यूटी फ्लाई है, जिसे मैं बैटल करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अभी मुझे लेवल्स की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वाइल्ड पोकेमोन के लेवल 30 से प्लस दिख रहे हैं, सो हमें भी उनके लेवल के उतना होना होगा आसपास। बट ओ रुको, ये भाई ब्यूटी फ्लाई जैसा दिख रहा है, कौन सा पोकेमोन है? वाह देखना पड़ेगा भाई, बिल्कुल थोड़ा ब्यूटी फ्लाई से डिफरेंट है लेकिन। और इसका नाम है मॉथिम। हाँ इसको तो पकड़ना पड़ेगा, कभी नहीं देखा हूँ। देख के तो बग टाइप ही होगा, सो इसको टैकल या रॉक स्लाइड बच जाना चाहिए। 31 लेवल का है, आई होप बच जाए, बस मरना नहीं ब्यूटी फ्लाई की तरह। और भाई पिट गया। आई थिंक रॉक स्लाइड कुछ ज़्यादा ही हाई डैमेजिंग मूव है यार उनके लिए, बग टाइप्स भाई पिचक जाते हैं रॉक टाइप्स के अगेंस्ट। ओके और ये क्या लक्ष्य को भी इवॉल्व कर सकते हैं? कर देते हैं गाइज। लक्ष्य का फाइनल एवोल्यूशन बहुत ही औसम दिखता है, एकदम बोलते हैं ना अल्फा बिल्ली वैसा दिखता है ये, देखो लक्ष्य। हाँ इस एपिसोड में तो दोस्तों फुल और न्यू पोकेमॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बस यार मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने क्विलावा और स्टारिविया को इवॉल्व करने का। स्टारेप्टर तो मैं पता ही है मुझे बहुत पसंद है, और सिंटाक्विल बोल रहा हूँ, टाइप्लोसियन भी क्विलावा का इवॉल्व फॉर्म है तुम्हारा। और इस एरिया में बहुत सारे मॉथिम्स भरे थे जिनसे मैं बैटल करता और थोड़ा लेवलअप होता रहा, बट अचानक से यहाँ बारिश हो जाती है और मुझे एक बहुत यूनिक पोकेमॉन दिखता है इस जगह पर, और वो और कोई नहीं गाइस मर्क्रो है, एक डार्क और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन जिसका एवोल्यूशन यार बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इसका डिज़ाइन का, हॉन्स क्रो का। सो स्टारिविया को भेज के मैं इसको एरियल स्मरवाता, बट इसके पास तो रूस्ट मूव है गाइस, ये मस्त पोकेमोन था लेकिन स्टारिविया ने गाइस क्रिट हिट मार दिया। खैर कोई ना, और एक मर्क्रो है, इस बार बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा गाइस, इसको कम से कम डैमेज दूंगा और बस अब पोकेबॉल फेंक के पकड़ने का ट्राई करूंगा। एंड चलो ये तो पता चल गया कि डिफरेंट वेदर्स या डिफरेंट टाइम में आऊंगा तो यहाँ पे और अलग टाइप के पोकेमॉन्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा पोकेमॉन मिल जाता है जिसके मुझे बहुत दिनों से तलाश थी, और ये और कोई नहीं स्टैंटलर है गाइस। एंड ये पोकेमॉन हिसुई रीजन में बहुत यूनिक और बहुत स्ट्रांग है। और भाई भाग क्यों गया लॉल यार? क्योंकि स्टैंटलर तुम्हारा वियडीर में इवॉल्व होता है, वो पोकेमॉन जिस पर मैं बैठ के घूमते रहता हूँ कभी कभी, बट कुछ स्टोन या कुछ चाहिए होगा। एंड मुझे पता चला ये स्टैंटलर्स बहुत ही शर्मीले टाइप के पोकेमॉन होते हैं, इनको मुझे एकदम स्टन करके पकड़ना होगा, पोकेबॉल पीछे से फेंकना होगा इनके सर पे, तब जाके पकड़ पाऊंगा। और ये पैरस बग पोकेमॉन तो सारे जगह घूमते हैं भाई, एंड इनमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, सो इनको मार के भाग जाऊंगा। बट अचानक से गाइस मुझे यहाँ पे भी एक पिकाचू मिल जाता, और इस बार तो इसको नहीं मारूंगा, ट्राई करूंगा इसको पकड़ूंगा, इसलिए भाई इलेक्ट्रिक टाइप ही लेके आया हूँ। पिकाचू चाहिए गाइस हमें, इस पिकाचू को मैं बहुत टॉर्चर करूंगा और इसको राइचू में इवॉल्व कर दूंगा। एंड इसको मैं सोच तो रहा था और अटैक करो, लेकिन रिस्क नहीं लूंगा, ओके बॉल ट्राई करते हैं। अरे फर्स्ट ग्रेट बॉल में तो निकल गया, तो ये ले और एक ग्रेट बॉल, और इस बार भी निकल गया भाई, और अब तो फॉर्म में आ गया, डिफेंस ये सब स्टैट्स बढ़ा लिया, सो लगता है इसको एक टैकल मारना ही पड़ेगा, बस यार मरना मत। और चलो अब ठीक है, अब पकड़ते हैं क्रिट बॉल, कमाल दिखाओ। एंड फाइनली गाइस पिकाचू भी पकड़ लिया, यार ये रीजन में आने का तो हमें बहुत फायदा हुआ, एक से एक पोकेमॉन्स पकड़ रहे हैं आज तो अपन। एंड नाउ इट्स टाइम टू मीट पालिना, बट उससे पहले मॉथिम को देख लेते हैं रियल वर्ल्ड में। अरे निकल भाई क्या हो गया? अरे फिर अंदर चला गया भाई, निकल निकल, देखना है मेरे को इसको। एंड ये देखो गाइस, एंड मॉथिम और ब्यूटीफ्लाई का मुझे अब डिफरेंस पता चला, ये एक मॉथ पोकेमॉन है और वो एक बटरफ्लाई टाइप का पोकेमॉन है, और दोनों अलग होते हैं वैरायटीज़ में, दोनों बटरफ्लाई और मॉथ्स इन रियल लाइफ भी थोड़ा सिमिलर दिखते हैं बट होते हैं अलग थोड़े से, देख सकते हो और नहीं कन्फ्यूज़ करूँगा तुम्हें। और ये उधर क्या है भाई? वॉल्केनो की तरह दिख रहा है, इनफैक्ट ये हिल से गिरा तो वॉल्केनो तो दूर की बात है, मेरा कुछ बचेगा भी नहीं। और ये रही पॉलिना, ये कौन से पोकेमॉन्स है भाई?
वाइट वाइट दाढ़ी मूछ है इनका। भाई इनका स्ट्राइप तो मुझे ग्राउलेट की तरह दिख रहा है। ग्राउलेट याद है ना, ऑफिसर जेनी के पास रहता था। एंड ये है पहली ना, अरे गेटअप तो एकदम हैवी यार, स्पेस से आई है लग रहा है। एंड बोल रही, अच्छा तुम ही हो वो बच्चे गैलेक्सी टीम वाले? ऑफ कोर्स मैं ही हूँ वो बच्चा। एंड बोल रही, इसने सुना कि मैंने कैसे क्लेवर और रेलिगेंट को शांत कराया, जो कि किसी के भी बस की बात नहीं है। इससे पता चलता है तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत अमेजिंग है, साथ में एक जेंटल फेस भी। अच्छा ऐसा क्या यार, भोला वाला दिखता हूँ मैं। एंड परीना पूछ रही है कि तुम गोपाल आइलैंड क्यों आए हो? क्योंकि यहाँ पे कोई लॉर्ड नहीं है जिसको तुम्हें शांत कराना हो, क्योंकि इनके पुराने लॉर्ड जो थे उनको वेव्स ने स्वालो कर लिया था। अरे यार समुद्र में मर गया। एंड बोल रही, वो अपने यंग बच्चे को बचा रहा था, यंग पप को, बट उस प्रोसेस में अपनी जान गंवा दी। ये तो बहुत दुख भरी बात है, बट अच्छा उसने अपने पप को बचा लिया, कुछ से तो कुछ अच्छा ही है गाइस। एंड बोल रहे, इफ यू वेयर टू गेस विच ऑफ दिस ग्राउलित वुड यू से इज द प्रीवियस लॉर्ड चाइल्ड? यार ये ग्राउलित है, कैसे ग्राउलित है यार, हिसुइयन वाले हैं यार, गजब के दिख रहे हैं ये तो। एंड मुझे लगा वो बड़ा वाला ग्राउलित होगा, वो यंग पप अभी बड़ा हो गया होगा, लेकिन मेरा आंसर गलत था, ये छुटकू है जिसको लेट लॉर्ड ने बचाया था। एंड पैलिना बोल रही है, इस छोटे ग्राउलित में है पोटेंशियल लॉर्ड बनने का, लेकिन अपने फादर का वैसा डेथ देख के इसके दिल में अभी भी उसको लेके स्कार से बोले तो अभी भी बच्चा हार्ट होता है। एंड पैलिना बोल रही है, बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इसको फोर्सिबली ट्रेन करे ताकि ये नेक्स्ट लॉर्ड बन सके, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, यहाँ तक कि पर्ल क्लैन के लोग भी इसके बारे में बुरा भला बोले। ये इस छोटे पप के साथ हमेशा रहेगी और इसको ऐसे ही नॉर्मल जिंदगी जीने देगी जैसा वो चाहता है। लुक्स लाइक पैलिना को तो हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। एंड ये पूछ रही है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सो मैं इसको बता देता हूँ कि मैं यहाँ हेल्प करने आया था इस यंग पप को ट्रेन करने में। एंड पैलिना हमसे पूछती है, क्या तुम्हें रीदा ने ये सब करने को बोला? एंड बोल रही है, ये अप्रिशिएट करती है उसका काइंड जेस्टर, लेकिन बट इस मैटर में हमें नहीं दखल देने बोल रही है। अरे सो अब इनको एकदम रियल रीजन बता देता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कि मुझे सर्वे करना है फायर स्पिट आइलैंड का, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंज शैडोज दिख रहे हैं। एंड पैलिना बोलती है कि वहाँ जाने के लिए हमें एक पोकेमोन का मदद चाहिए होगा, बैस्को लीजियन। बट वो किधर मिलेगा? और यू शुड स्पीक टू इसका ना वार्डन ऑफ डायमंड क्लैन, ही शुड बी एबल टू हेल्प यू। एंड पैलिना को भी लगता है कि उस आइलैंड में कुछ तो स्ट्रेंज हो रहा है। सबसे पहले तो शेडो ही फिगर्स दिखते हैं और वहाँ पे एक और लाइटनिंग भी गिरते रहती है। अरे और ये लाइटनिंग रिफ्ट से आती है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है गाइस, क्योंकि जितने भी पोकेमोन्स जो क्वेल होते हैं, मतलब फ्रेंजी मोड में आते हैं, वो ऐसे ही रिफ्ट से बिजली गिरती है तभी होते हैं। इनफैक्ट पैलिना के व्यूज तो और भी अलग है। लाइटनिंग इज अ साइन दैट द हेवंस आर एंग्री, आई वरी दैट वी मे हैव ऑफेंडेड ऑलमाइटी। मेरे को भी लगता है यार, वरना ऐसे सिचुएशंस इसी रीजन में क्यों हो रहे हैं? धीरे धीरे पता लगा ही लूंगा, इसी चीज़ के लिए तो मुझे इस वर्ल्ड में भेजा गया है। एंड पैलिना बता रही है कि पहले के टाइम में, पास्ट में, पर्ल क्लैन और डायमंड क्लैन के लोग एक कन्फ्लिक्ट में बैठ गए थे ऑलमाइटी सिनो को लेके, कि कौन ट्रू ऑलमाइटी सिनो है। हाँ गाइस मैं बताया था ना, एक साइड वाले तुम्हारे डियाल्गा को वर्शिप करते और एक साइड वाले पालकिया को। दोनों साइड के लोगों का ये सोचना है कि एक साइड वाले फॉल्स ऑलमाइटी को वर्शिप करते हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है इसी रीजन में, बोले तो दोनों ही लोग गलत हैं। एंड पालिना बता रही है, इसका नाम रहता है एपॉम हिल में। नाइस नाम सुन के मुझे लग रहा है मुझे वहाँ पे बहुत एपॉम्स मिलेंगे। एपॉम याद है ना गाइस, वो बंदर पोकेमोन? नहीं याद है, दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत ही मस्त दिखते हैं। और ये रहे यार ग्राउलित, हिसुइयन ग्राउलित यार बड़ी डेंजर दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ इसका इवॉल्व फॉर्म आर्केनाइन कैसा दिखेगा यार, ऐसे ही खतरनाक दिखता है हिसुइयन आर्केनाइन, ज़बरदस्त दिखेगा। एंड नीचे पानी कितना है देखता हूँ, चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इधर से देख लेता हूँ। ओके नहीं नहीं गाइस रिस्क नहीं लूँगा। और ये क्या है? अच्छा यहीं पे दफनाया गया है द ग्रेट एंड नोबल आर्केनाइन को। एंड गाइस हमें इसकन से मिलना है, वो हमारी हेल्प करेगा उस फायर स्पिट आइलैंड में जाने में। एंड इसकन से मदद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे, क्योंकि गाइस आज के एपिसोड में बहुत पोकेमोन कैच किया यार, थक गया मैं। एंड सो मिलूंगा मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बट जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही साथ नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करना, सो डैट तुम ऐसे ही मज़ेदार पोकेमोन एडवेंचर्स के एपिसोड्स मिस ना करो। और मिलते हैं कल, टिल देन द गुड्स द पाइस।